ऐसी है तुम्हारी परफॉर्मेंस, सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आज की परफॉर्मेंस पहले यह है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी यह है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए। अली अमीन गंडापुर के दो दिन बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री, असेंबली से खिताब में कहा मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था, चार छापे मारे गए लेकिन बच गया, सारी रात केपी हाउस में था, ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर शेलिंग की गई, हल्ला बोला गया, सारे सबूत मौजूद हैं, सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई, मेरी गाड़ी और गार्ड भी ले गए, समझ रहे थे हम डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे लेकिन हमने पहुंच कर दिखाया, हुकूमत को किस बात का खौफ है, हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती, बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, कहा गया मवेशी मंडी में जलसा करो, क्या हम जानवर हैं, हमारी पार्टी पर हमला करने वाले आज एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे लोगों पर प्लानिंग के तहत जुल्म किया गया, पीटीआई को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं, मरते दम तक ये जंग जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने कई बार कहा मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, बानी पीटीआई के साथ थे और साथ रहेंगे। पुलिस ने जब केपी हाउस पर छापा मारा तो अली अमीन गंडापुर निकल गए थे, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नाकाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर निकल गए, हमने वीडियो रिलीज कर दी, पीटीआई का मकसद यही था धरना दें और एससीओ कॉन्फ्रेंस ना हो, इनकी कोशिश थी किसी तरह डेड बॉडी मिले, अटक पुल क्रॉस किया तो उनकी प्लानिंग पता लग गई थी, पीटीआई के जो भी अजायम थे वो पूरे नहीं हो सके, सदर और वजीर आजम मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला हुआ वो करेंगे, पीटीआई की क्यादत मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी, पीटीआई की क्यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गईं, आईजी ने माफी ना मांगी तो बदला लूंगा, वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं केपी हाउस हमारा घर है, जरूरत कैसे हुई केपी हुकूमत को हाथ लगाने की, एक एक से हिसाब लेंगे, केपी हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं, मेरी गाड़ियां छीन ली गईं, मेरे गार्ड्स को मारा गया, मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, इस फ्लोर पर आईजी को माफी मांगना होगी, ऐसा ना हुआ तो एफआईआर दर्ज कराएंगे, हमारे टैक्स पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है, हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। अली अमीन गंडापुर ड्रामा है, उनके पुराने बयान निकाले, राना सनाउल्लाह कहते हैं अली अमीन डी चौक पर कहां आए, अली अमीन भागे भागे चैना चौक इस्लामाबाद पहुंचे, हाथ लगाकर निकल गए, असेंबली में पहुंचकर ड्रामा किया, कौन से 12 जिला क्रॉस किए, क्या कराची पहुंच गए थे, अली अमीन गंडापुर सर से पैर तक एक ड्रामा है, उनका मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के बदनाम करना है, जब मुल्क को बदनाम करने का ड्रामा नहीं चला तो असेंबली पहुंच गए, इनका मंसूबा था एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोदास किया जाए, पीटीआई इस ड्रामे में लगती थी कि वज़ीर-ए-आला मिसिंग पर्सन है, पाकिस्तान माशी बोरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं ना निकले। केपी में गवर्नर राज की धमकियों से नहीं डरते, अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में है, तमाम पार्टियां अपनी इसलाह कर लो, मुझे नाहल करना है कर दो, मैं फिर आ जाऊंगा, मुझे सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया है, पाकिस्तान तरीके साफ को 4.25 करोड़ अवाम ने वोट दिए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का झूठ सामने आ गया, इनसे लोग इकट्ठे नहीं हुए तो अपने लोगों को खुद छोड़कर भाग गए, वफाकी वजीर इत्तला अताउल्लाह तारिक कहते हैं अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे से कहां छुपे हुए थे, इनका झूठ सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स, हुकूमत का मौकिफ सच साबित हुआ, तरीके इंतशार का मकरू चेहरा कौम ने देख लिया, तरीके इंसाफ बुरी तरह एक्सपोज हुई लोगों ने देख लिया। कल रात ही तरीके वारदात बता दिया था गंडापुर कैसे डिग्गी में गए, फैसल वावडा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है, पहला सवाल यह है अली अमीन डी चौक से केपी हाउस क्यों गए, अली अमीन केपी हाउस से खुद निकले इसका एतराफ भी कर लिया, अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो टेप भी आ गई है, इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पीटीआई वालों को कहता हूं अपनी इसलाह कर लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, वजीर दाखिला की वजीर आजम को इस्लामाबाद की ताजा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग,
वज़ीर-ए-आज़म की क़याम अमन से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-दाखला इंतजामिया और पुलिस के इकदाम की सताइश, कहते हैं इस्लामाबाद पर धावा को नाकाम बनाया, पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैन अल-अक़वामी तकरीब मामूल के मुताबिक होंगी। मुंतखब वज़ीर-ए-आला को अगवा करने की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं केपी हाउस में तोड़फोड़ की गई, गैरआइनी इकदाम उठाकर अली अमीन गंडापुर को जबरदस्ती उठाया गया। मुतनाज़े आइनी तरमीम लाई जा रही हैं जिस पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अली अमीन गिरफ्तार नहीं हुए, रूपोश हुए थे। गवर्नर केपी फैसल कुंडी कहते हैं अली अमीन कारकुनों को छोड़कर भागे थे। अली अमीन गंडापुर पहले भी 7 घंटे रूपोश रहे। अली अमीन की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आज अपनी बारी आई तो रो रहे हैं, अपनी बारी आई तो इंसाफ याद आ गया। लाशों की सियासत का इनका मंसूबा नाकाम हो गया। अली अमीन खुद बता सकते हैं वो कहां थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफद की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुलाकात करने वाले वफद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, शेरी रहमान, नवीद कमर, नैयब बुखारी शामिल। हुकूमती वफद की मौलाना फजल रहमान को आनी तरमीम पैकेज पर फिर से कायल करने की हिमायत हासिल करने की कोशिश। वफद की मौलाना को आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना फजल रहमान को यौम यकजहती गजा की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। मौलाना फजल रहमान यौम गजा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएंगे। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी, नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला के इलामे के मुताबिक पीटीएम मुल्क दुश्मन बयानियां और नारकी फैलाने में मुलविस, ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। पीटीएम अमन व अमान सिक्योरिटी के लिए खतरा 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11B के तहत पीटीएम पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट को मुतअद्दद बार कलदम जमात करार दिया जा चुका है। आज हमारे इस जवान की शहादत हुई जिसने दहशतगर्दों से लड़ना था। हमारे पुलिस अहलकारों पर मुजाहरीन ने तशद्दुद किया, पुलिस अहलकार को तशद्दुद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जाबिर ना हो सके। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिज़वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज का दिन हमारे लिए बहुत गमगीन है। पुलिस अहलकार के बच्चों को स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी। पुलिस अहलकार के वाकये में जो भी मुलव्वस है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज की जाएगी। मुजाहरीन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। जिन्होंने भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और कराई उनके खिलाफ 10-10 FIR दर्ज की गई हैं। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, उनमें ज्यादातर अफगानी हैं। वालिद आंसू गैस के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे का कहना है आंसू गैस की वजह से वालिद की तबीयत खराब हुई। तहरीक इंसाफ की एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी। वजीर इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी का बयान, कहा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रेटेजी से बगावत नाकाम बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अहलकारों को और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस से तशवीश और तहकीक तलब। पंजाब के अवाम ने तरीके फसाद और उसके मास्टरमाइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जो इनकलाब लाने निकले थे जूतियाँ छोड़कर भाग गए। क्या KP के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मार धाड़ ही बाकी रह गई है। बानी PTI की बहनों के खिलाफ थाना कोसार में दर्ज मुकदमा, लीमा खान और उज्मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस की जानिब से 20 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। अलीमा खान और उज्मा खान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। FIR में नामजद 102 मर्द कारकुनान को शिनाख्त ऑपरेट के लिए जेल भेज दिया गया। मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आज़म सवाती गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक आज़म सवाती को इस्लामाबाद पुलिस की खसूसी टीम ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आज़म सवाती को CIA मुंतकिल कर दिया। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर के लापता होने के बाद आज़म सवाती एहतजाज को लीड कर रहे थे।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات. اوکاڑا میں گندم ذخیرہ کرنے کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق. ملاقات میں لائف سٹاک، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر صنعتی شعبوں میں تعاون کی فروغ پر تبادلہ خیال. مریم نواز کا لائف سٹاک، کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات کے شعبے میں ارجنٹائن سے تجارت کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور. کہا ارجنٹائن کی میٹ پروسیسنگ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. ارجنٹائن کے سفیر کا لائف سٹاک اور بایو ٹیکنالوجی کے شعبے میں پنجاب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار.